वाहे गुरु, ये जो आप मेरे पीछे गुरुद्वारा देख रहे हो ना, पहले किसी का बंगला हुआ करता। ये सब लोग आप जो देख रहे हो ना, ये कोई भी पेड़ नहीं है, ये सब सेवा करने आए हैं। ये लंगर इतना स्वाद क्यों होता है? और सब लोग हैरान हो गए, सबके चाचा की बीमारी चली गई। खाने के लिए यहाँ पे अचार वगैरह होते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया। गुरु नानक देव जी 12 साल के थे तो नया, इसी तो कहते हैं गाइस सच्चा सौदा। गुरु महाराज आपके आपके ऊपर बख्शे करेगा, आपको विद्या की दाद बख्शे क्या। आज हमने आपके लिए छोले और चावल बनाए हैं। आप सबको मेरा नया ब्लॉग जब तेरा। सर्दी भरी रात और काला आसमान, सबसे प्यारा मेरे बाबा जी का जहाज। तो गाइस आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी एक और गुरुद्वारा साहिब के, जो कि है बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं फ्रंट साइड गेट पे, आप भी दर्शन करो हमारे साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब के। गुरुद्वारा साहिब में अंदर जाने के लिए 3 एंट्री गेट्स है, ये फर्स्ट गेट है। तो चलो गाइस अब हम सेकंड गेट की तरफ चलते हैं। देखो गाइस कितने सुंदर अक्षरों में गुरुद्वारा बंगला साहिब लिखा है। इस गेट से भी बहुत सारी संगत एंट्री करती है। देखो गाइस कितना एलिगेंट और कितना डिजाइनर गेट है। तो चलो गाइस अब हम एंट्री करते हैं अपने थर्ड गेट से। आपको सारे गेट दिखाने के लिए मैंने तो गुरुद्वारा साहिब का पूरा राउंड ही लगा दिया। तो चलो गाइस अब हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं। तो देखो गाइस कितनी सारी गाड़ी खड़ी है, बहुत बड़ा मल्टी लेवल पार्किंग लॉट है। रात के 12 बजने वाले हैं और पार्किंग पूरी फुल है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे दिन हो या रात, संगत की कोई कमी नहीं होती गुरुद्वारा साहिब में। इस फोटो की मदद से सिख धर्म का इतिहास दर्शाया गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो देखते रहो ब्लॉग मेरा, मैं हूँ आपकी चपनी तेरा तेरा। अगर आपको भी मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना। मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाऊं। ये जो आपके सामने गेट दिख रहा है ना, ये बहुत ही बड़ा और सुंदर है। पता है आपको फ्रेंड्स ये किससे बना है? संगमरमर से। इसमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। गुरुद्वारा साहिब में एंट्री से पहले ना हेड कवर करना पड़ता है और जूते भी जोड़ा घर में जमा करने पड़ते हैं। देखो गाइस कितना आरामदायक है, आराम से बैठ के जूते उतारो और फिर जमा कराओ, और जमा कराने के बाद आपको एक टोकन मिलेगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। देखो फ्रेंड्स मुझे टोकन मिल गया है, इसको वापस देकर मुझे मेरे जूते वापस मिल जाएंगे। इतनी सर्दी भरी रात में भी संगत कितने प्यार से सेवा कर रही है। यहाँ पर गुरु के प्यारे अपने दिल से सेवा करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ गठरी घर, जिसको इंग्लिश में लगेज होम भी कहते हैं। दूर से आई हुई संगत के सामान की सुरक्षा की जाती है। ये देखो बाबूजी भी मेरी वीडियो लाइक करते हैं। गुरुद्वारा साहिब में एंट्री से पहले हर बार की तरह हैंड वॉश और पैर धोना भी ज़रूरी होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जैसे ही ऊपर जाते हैं, सबसे पहले जो आपको नज़र आता है जो है वाहेगुरु जी की गद्दी, जहाँ पर हमारे 10 गुरु साहिब जियों की ज्योति स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे जाते हैं। और संगत यहाँ पर मत्था टेकती है और अरदास करते हैं। कहते हैं सच्चे दिल से की गई दुआ यहाँ ज़रूर पूरी होती है। कहते हैं यहाँ पर एक दिन में 1800 किलो कड़ा प्रसाद बनाया जाता है, जो कि फेस्टिवल्स में 4 से 5 हज़ार किलो बनाया जाता है और यहाँ कड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो चलो
गुरुद्वारा देखते हो ना, ये पहले किसी का बंगला हुआ करता था। किसका? महाराज जयसिंह जी का। तो एक दिन महाराज जयसिंह जी ने हमारे एट गुरु और कृष्ण साहिब जी को इनवाइट किया। तो वहाँ पर चिचक की बीमारियाँ भी चल रही थी और सब लोग बहुत दुखी थे। तो महाराज जयसिंह जी ने गुरु साहिब को बोला कि सब लोग बहुत दुखी है चिचक से। तो इसी वजह से महाराज हमारे जो गुरु साहिब जी थे उन्होंने कुएं में से पानी सबको पिला दिया जिनको चिचक की बीमारी, और सब लोग हैरान हो गए, सबकी चिचक की बीमारी चली गई। और वो कुआं अभी भी यहाँ पर है और लोग अभी भी आते हैं उनसे जल चखने के लिए। और वहाँ पे सब लोग उनके जो आते हैं पीते हैं ना, तो उनकी सारी बीमारियां सारे दुख दर्द चल जाते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलो भाई, जब मैं आपको लेकर चलती हूँ स्कूल के पास जहाँ पे शक्ति थी, शक्ति है और शक्ति रहेगी। तो चलो भाई चलते हैं अब। तो देखना मेरे वीडियो है जरूर, यहाँ के जल से हर रोग जाता है दूर। इस पवित्र गुरुद्वारे का जल हमारे शरीर को रोगों से दूर करता है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी बीमारी हो, यहाँ से जल अपने घर ले जाइए। जो मन से लेता है सच्चा नाम, उसके साथ मेरा गुरु सुबह और शाम। आप देख ही रहे हो फ्रेंड्स किस तरह से संगत सेवा में मगन है। दिल्ली की सर्दी तो आप जानते ही हो और संगत की सेवा तो आप देख ही रहे हो। तो चलो गाइस अब करते हैं परिक्रमा। मेरे साथ आप जुड़े रहो और आप भी करो परिक्रमा। सरोवर साहिब को देखते ही मुझे गोल्डन टेम्पल की याद आ जाती है, जो कि मेरा फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग है। अगर आपने देखा नहीं है तो मेरा व्लॉग एक बार जरूर देखना। जिन संगतों को स्नान करना होता है वो यहाँ पर आके स्नान कर सकते हैं। औरतों के लिए अलग से स्नान घर बना है। ठंड बहुत थी तो मैंने स्नान तो नहीं किया, लेकिन अपने चेहरे पे 5 बार जल का छिड़काव किया। और यहाँ पर फिश भी होते हैं, देखो गाइस कितनी बड़ी फिश है। तो चलो गाइस अब चलते हैं लंगर हॉल। दूर से आई हुई संगत के लिए कंबल और सोने की व्यवस्था की गई है लंगर हॉल के बाहर। संगत ज़्यादा होने के कारण तो चलो भाई अब चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े किचन में, जहाँ पूरे दिन में लाखों की संख्या में संगत आती है। और देखो कितनी बड़ी ऑटोमेटिक मशीन लगाई है बर्तन धोने की, इसमें से एकदम साफ सुथरे होकर बर्तन बाहर आते हैं। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के कोई भी सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए मन में सेवा करने का भाव सच्चा होना चाहिए। बस सबसे पहले आटे को गूंदा जाता है ऑटोमेटिक मशीन में, फिर गूंदे हुए आटे से रोटियां बेली जाती हैं, जैसे कि मैं भी बेल रही हूँ और इसकी संगत भी बेल रही है। बेलने के बाद रोटियों को सेवादारों द्वारा, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, बेली हुई रोटियां मैं बड़े तवे तक ले जा रही हूँ, जिसमें एक वक्त में 40 से 80 रोटियाँ बन जाती है। सब रोटियों को एक साथ रखकर प्योर देसी घी लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो आंटी जी कितने प्यार से देसी घी प्रसादे में लगा रही है। इसके बाद इसको एक बड़े से पतीले में संगत को बरताने के लिए रखते हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीन है जिनमें दाल चावल बनते हैं। देखो ये बाबा जी चावल बना रहे हैं। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये बाबा जी चावल कैसे बना रहे हैं। वीर जी आज आपने लंगर में क्या बनाया है? सत श्री अकाल जी बेटा, आज हमने आपके लिए छोले और चावल बनाए हैं, सफेद छोले और चावल। और ये कैसे बनता है ऑटोमेटिक वगैरह बता सकते हो? ऑटोमेटिक की ये मशीन आप देख रहे हो, ये मशीन आपके पीछे लगी हुई है। इसमें हम पहले पानी बॉइल करते हैं, उसके अंदर फिर छोले डाल देते हैं, फिर उसमें मसाले वगैरह डाल के इसको 2 घंटे लगते हैं बनाने में। तो ये मशीन ऑटोमेटिकली इसमें चलती रहती है, ये तो 2 घंटे लगते हैं तो छोले बन जाते हैं। फिर हम मसाले वगैरह डाल के इसका नमक वगैरह सारा सेट हो जाता है। जब तैयार हो जाते हैं तो पतीले में निकाल के बाहर बांटने के लिए दे देते हैं। तभी तो इतना लंगर बढ़िया लगता है। हाँ जी हाँ जी, बस वही है, ये श्रद्धा होती है। जो लोग आते हैं बहुत प्यार से सेवा करते हैं। ये सब लोग आप जो देख रहे हो ना, ये कोई भी पेड़ नहीं है, ये सब सेवा करने आए हैं, अपने घर से सेवा करने के लिए आते हैं। सिख धर्म में सेवा की बहुत महत्ता है, वो
हर लोग हर सिख जो है गुरुद्वारे में जाके सेवा करता है, चाहे वो बर्तन की करे, चाहे वो जोड़े की करे, चाहे वो लंगर की करे, हम जाकर की सेवा करते हैं। एकदम सही बोला आपने वीर जी। देखो गाइस ये किस तरीके से निकाल रहे हैं। हमारे प्यारे गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों का एक सार बनाया, बिना भेदभाव के सभी के लिए गुरु घर लंगर चलाया। जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है, कुछ दाल चावल के लिए, कुछ खीर बनाने के लिए, कुछ मशीनें तो आलू छीलने के लिए भी है यहाँ पर, और रोटी बनाने वाली मशीन से तो एक घंटे में 4000 रोटियाँ बनाई जाती है। तो मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, सब मिलकर सेवा करते हैं, हर पल वाहेगुरु जी का जाप करते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ लंगर करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, सभी धर्मों का सार है, सभी का मिलकर रहना यही धर्मों का आधार है। तो देखो फ्रेंड्स कितने गरम गरम छोले हैं, कितने अच्छे से बड़े पतीले में निकाल रहे हैं, और लंगर हॉल ले जाने के लिए भी कितनी अच्छी मशीन है ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। हर तरीके से संगत की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो ये आ गई मेरी ऑल टाइम फेवरेट गुरुद्वारे की वर्ल्ड फेमस दाल, और ये ना गुरुद्वारे का चटपटा अचार। ये लंगर इतना स्वाद क्यों होता है? गुरुद्वार का लंगर स्वाद ही बनता है। ये तो आपने सही बात बोले, स्वाद तो बनेगा ही बनेगा। जब गुरु घर सेवा करोगे, सच्चे मानल सेवा करोगे तो स्वाद बनेगा। सही है ना? सही बोला, एकदम सही। अपने मन में गलती होगी तो फिर भुगतना तो पड़ेगा। कि मैं गलती करूँ तो मेरे को भुगतना पड़ेगा, ये आप गलती करोगे तो आप भुगतोगे। ये सच्चे मानल गुरु घर आगे सच्चे मानल सेवा करनी चाहिए। सच्चा मन आप गुरु महाराज आपके आपके ऊपर बख्शे करेगा, आपको विद्या की दाद बख्शे करेगा, ठीक है ना? देखो चाय की सेवा भी होती है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ का बड़ा कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पर सारा राशन और सब्जियाँ मेंटेन रहती है। वाओ कितना ठंडा है अंदर, ऐसा लग रहा है कि फ्रीजर में आ गए हैं। इतनी सारी सब्जियाँ दिख रही हैं, लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा बाजार है सब्जियों का। आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, कद्दू, गोभी, मूली और भी बहुत कुछ है। मेरा बोलना गलत नहीं है कि दिल्ली की सबसे बड़ी किचन है, तभी तो इतना बड़ा फ्रिज है यहाँ पर। बाबा जी इतनी सारी सब्जियाँ कहाँ से आती है? ये सब्जियाँ साढ़े दिल्ली से पूरा प्रबंधक कमेटी खरीद कर ले आती है, और संगत भी सब्जियों की सेवा करती है, जितनी जरूरत हो उतनी हम कमेटी से मंगवा लेते हैं, तभी तो इतनी फ्रेश लग रही है। अब मैं आपको लंगर का इतिहास बताती हूँ। जो गुरु नानक देव जी 12 साल के थे तो उनके पिताश्री ने उनको 20 रुपए दिए, तो उनके पिताश्री ने उनको बोला 20 रुपए का 40 रुपए बना के लाओ। तो फिर वो बाहर निकले, घर से उनको कुछ साधु दिखे तो उन्होंने साधु को खाना खिला दिया। फिर वो घर गए, उनके पिताश्री ने उनको बोला, थोड़ा डांटा उनके पिताश्री ने उनको कि तुम 20 रुपए को 40 रुपए क्या बना के लाए हो तुम। तो फिर हमारे प्यारे गुरु नानक देव जी ने बोला, पापा मैं तो सच्चा सौदा करके आया, इसी को तो कहते हैं गाइस सच्चा सौदा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भेदभाव भूलकर सब एक जगह सब बैठकर लंगर खाते हैं। गुरु नानक जी उसी को सच्चा सौदा बताते हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारा जो भी आता है रोगी क्या हर दुख तकलीफ मिट जाता है। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा व्लॉग मेरा, क्योंकि मैं हूँ आपकी अपनी जपलीन व्लॉग तेरा तेरा। तो देखो गाइस मैं आइसक्रीम की सेवा कर रही हूँ, बड़ा मजा आ रही है। मेरा तो खाने का मन भी कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, सेवा तो पहले है ना। इतने ठंड में भी आइसक्रीम के लिए कितनी बड़ी लाइन है।
वाह, गरम गरम सब्जी के साथ क्रिस्पी कचौड़ी, मुंह में पानी आ गया। आपके भी आया होगा, तो आ जाओ फिर गुरुद्वारा बंगला साहिब। आसमान से भी ऊंचा मेरे गुरु का घर है, कोई नहीं जिसका उसको किस बात का डर है। दूर से आने वाले संगत के लिए यहाँ पर एसी वाली कमरों की व्यवस्था की गई है। जरूरतमंदों के लिए एक सुविधा और भी है यहाँ पर, जैसे बीमारियों के महंगे महंगे टेस्ट यहाँ पर बहुत ही कम रेट पर होते हैं। जैसे 50 रुपए की पर्ची पर MRI का टेस्ट किया जाता है। तो चलो इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेती हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप और वीडियो भी देख सकते हो जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है आपको। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे फेस के ऊपर क्लिक कर।